पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली के दौर में पहुंचा चुके प्रधानमंत्री इमरान खान भारत को नफे नुकसान की सीख दे रहे हैं। खान ने बुधवार को कहा कि यदि भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते रखता है तो उसे आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे भारत को पाकिस्तानी भूभाग के रास्ते समस्धान बहुल मध्य एशिया में सीधे पहुँचने में मदद मिलेगी। बता दें कि पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और आम जनता महंगाई के बोझ में दबी जा रही है। हमने बहुत कुछ किया, अब भारत की बारी। इमरान खान ने दो दिवसीय इस्लामाबाद सुरक्षा वार्ता में बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 2018 में सत्ता में आने के बाद भारत के साथ बेहतर संबंधों के लिए हर कदम उठाया, अब भारत की बारी है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को पहला कदम उठाना होगा, जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इंडिया ने दिया था स्पष्ट संदेश। इससे पहले जब पाकिस्तान ने बेहतर संबंधों की बात कही थी तो भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि पहले पाकिस्तान को आतंकियों के समर्थन की आदत को छोड़ना होगा। भारत ने पिछले महीने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ आतंक, बैर और हिंसा मुक्त माहौल में सामान्य पड़ोसी जैसे रिश्तों की आकांक्षा रखता है। इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है कि वो आतंकवाद और शत्रुता मुक्त माहौल तैयार करे। नई दिल्ली ने यह भी कहा था कि आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती। राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।